करंटली क्रिकेट वर्ल्ड का मोस्ट एलीट स्पोर्ट्स माना जाता है। ये क्रिकेटर्स को ना सिर्फ पॉपुलैरिटी देता है बल्कि जो अपनी एबिलिटीज से गेम को एनहांस करना जानते हैं उन्हें जमकर पैसा भी मिलता है। नो डाउट क्रिकेटर्स की पूरी दुनिया में ह्यूज फैन फॉलोइंग होती है। मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप एंड वेरियस टूर्नामेंट के चलते क्रिकेटर्स अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। हाल ही में इंडिया में IPL चल रहा है जिसमें क्रिकेटर्स को खूब पैसा दिया जा रहा है। वहीं ऐसे में जब बात आती है रिचेस्ट क्रिकेटर की तो आपके मन में शायद सबसे पहला ख्याल आएगा विराट कोहली का या फिर धोनी का। लेकिन ना तो विराट है और ना ही धोनी बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट क्रिकेटर हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे अमीर खिलाड़ियों को लेकर साल 2023 में ही एक डेटा सामने आया है। क्रिकेट प्लेयर्स की नेटवर्क से संबंधित इस डेटा में मास्टर ब्लास्टर सबसे ऊपर है। भले ही क्रिकेट से वो संन्यास ले चुके हैं लेकिन वेल्थ के मामले में वो आज भी सबसे आगे हैं। CEO वर्ल्ड मैगजीन के अकॉर्डिंग पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कमाई के मामले में दुनिया भर के क्रिकेटर में टॉप पोजीशन पर मौजूद हैं। सचिन तेंदुलकर की नेटवर्थ करीब 1400 करोड़ रुपए है। सचिन को कई एड्स का स्पॉन्सर बनाया गया है इसलिए उनकी कमाई सबसे ज्यादा है। उन्होंने कई जगह इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद मुंबई में उन्होंने होटल चेन मालिक संजय नारंग के साथ मिलकर अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था जिसका नाम तेंदुलकर रखा गया था। इसके बाद उन्होंने मुंबई और बेंगलुरु में सचिन के नाम से एक और रेस्टोरेंट खोला। हालांकि ये दोनों ही रेस्टोरेंट साल 2007 में बंद हो गए थे। वहीं उन्होंने बेंगलुरु के इंटरनेट ऑफ थिंग्स के स्टार्टअप स्मार्ट्रॉन इंडिया में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा पुरानी कारें बेचने वाले स्टार्टअप स्पिनी में भी निवेश किया हुआ है। उन्होंने जेट सिंथेसिस में जुलाई 2012 में करीब $2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। इस कंपनी के तहत इमर्सिव क्रिकेट गेम जैसे सचिन सागा क्रिकेट चैंपियन और सचिन सागा VR ऑफर किए जाते हैं। इतना ही नहीं दोनों ने मिलकर क्रिकेट से जुड़ी डिजिटल डेस्टिनेशन 100MB की भी शुरुआत की है। और अब उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एडटेक स्टार्टअप अनअकैडमी जो कि काफी पॉपुलर है वो उसके ब्रांड एम्बेसडर भी है और साथ ही इसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। उन्होंने स्मैश एंटरटेनमेंट में भी इन्वेस्ट किया है। कंपनी क्रिकेट फुटबॉल रेसिंग और दूसरे खेलों की सर्विसेज देती है। सचिन तेंदुलकर इस कंपनी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। 2016 में अरविंद फैशन ब्रांड के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर के तहत ट्रू ब्लू की भी शुरुआत की थी। सचिन तेंदुलकर ने संयुक्त अरब अमीरात के ट्रैवल पोर्टल मुसाफिर में भी 7.5% की हिस्सेदारी खरीदी हुई है। साथ ही वो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट क्योंकि सचिन ने की हुई है वो बिजनेस में काफी ज्यादा एक्टिव है इसलिए उनकी नेटवर्थ बाकी प्लेयर्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। अब अगर हम बात कर लें कि वर्ल्ड के जो रिचेस्ट क्रिकेटर हैं उनमें दूसरी पोजीशंस पर कौन बने हुए हैं तो सेकंड पोजीशन पर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी की नेटवर्थ करीब 949 करोड़ रुपए है। MS धोनी के पास भी कई सारी एड्स की कतार लगी रहती है जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है। इसके बाद पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का नंबर आता है। विराट कोहली की नेटवर्थ 923 करोड़ रुपीज है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग की नेटवर्थ 617 करोड़ रुपए है। इसके बाद साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जैक कैलिस का नंबर आता है जो 577 करोड़ की नेटवर्थ के साथ इस लिस्ट में मौजूद हैं। वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा इसके बाद 494 करोड़ रुपए के साथ आते हैं। इनके बाद वीरेंद्र सहवाग जो कि इंडिया के क्रिकेटर हैं उनकी नेटवर्थ 329 करोड़ रुपए है। पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बाद युवराज सिंह आते हैं। सिक्सर किंग युवराज सिंह की नेटवर्थ 288 करोड़ रुपए है। युवराज के बाद ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर स्टीव स्मिथ का नाम है जिनकी नेटवर्थ 247 करोड़ रुपए है। तो ये सारी लिस्ट है जिसमें हमने आपको वर्ल्ड के रिचेस्ट क्रिकेटर्स के बारे में बताया। लेकिन आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप किस क्रिकेटर के सबसे बड़े फैन हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।